हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू पर। आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है कि हो जाने के बाद जो है कि अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर की जो प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट्स ने जो है कि जो अलॉटमेंट वगैरह होने के बाद जो है कि अर्ली अर्लिंग ज्वाइनिंग मतलब अपॉइंटमेंट से पहले, जैसे कि एटेस्टेशन फॉर्म वगैरह हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल, जो भी कुछ प्रोसेस मतलब है एक्चुअली उनके अंदर, वो सब जो है कि अभी लगभग लगभग डिपार्टमेंट में शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या हो गया है कि कुछ लोगों के पास ऐसे कुछ फ्रॉड कॉल्स हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जो आपको काफी बच के रहना, और वो पूरा दावा करते हैं कि हाँ, मैं आपकी ज्वाइनिंग पहले करवा दूंगा, मतलब अभी ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा। अभी जैसा कि आप लोग जो उत्सुकता बनी रहती है कि कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा, नहीं होगा, उसी का फायदा जो है कुछ चंद ऐसे लोग जिनका कि कोई काम नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का मतलब उनका एक जाल होता है, फ्रॉड का काम करते हैं, और उसी के तहत वे लोगों को फंसा रहे इस चंगुल में। लेकिन उसी के लिए ये स्पेशल वीडियो है। आप लोग प्लीज किसी भी फेक कॉल, किसी भी कॉल पर अब बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। जो भी आपके पास आएगा वो ऑफिशियली आएगा, और वो आपको ऑफिशियल ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको उस फेक कॉल्स की बात बताएंगे, और जिन लोगों के पास आया और जिन लोगों के पास नहीं आया है वो प्लीज एकदम बी बेयर हो जाइए। किसी प्रकार से आपको कोई नहीं न्यूज, कोई भी उसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कुछ मत देना है, आप बिल्कुल जो है कि सतर्क रहिए, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दिया जा रहा है, और अगर आपने उन्हें क्रेडिट वगैरह कर दिया तो आप फंस जाइएगा। तो चलिए, इस वीडियो को जो हम शुरू करेंगे, ठीक है, और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये पूरा जो है कि जो मतलब रैकेट है वो चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं। वो भेजना है उसी के अभी कम भेजना है, और लूजर आप लोगों का 1500 से 2000 आ चुका है। तो हमें कुछ हाल लूजिए, कुछ लोगों का आप लोगों का यहाँ पे रोकना पड़ेगा, पेंडिंग में डालना पड़ेगा। तो पेंडिंग में सर, तो फिर हमारा पेंडिंग में सर क्यों पड़ेगा? मतलब हमारा तो क्लियर है ना सब कुछ? सब कुछ क्लियर है, हाँ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सिर्फ रीव जैसे देखिए, एक बहाने की री वेरिफिकेशन डाल देंगे, कर्मचारी का क्या वेरिफिकेशन डाल देंगे, पीछे से आपका फिर एसेम्पशन लेटर चेक होगा, मेडिकल चेक होगा, ये आपका कैरेक्टर चेक होगा, क्रेडिट सर्टिफिकेट चेक होगा। तो इसमें हम लोगों का क्या है, जो भी जिन्हें जिनका पहले आया है लुजियर, तो उनका पहले चीज भेज देंगे। जैसे कि जो इंटरनली डायरेक्टली, अब जो हम लोगों का जो सीनियर ऑफिसर का है, डायरेक्टली सभी लड़कों से कॉन्टेक्ट है, जिनके पास फोन जा रहा है, जो इंटरनली कुछ हेल्प खर्च कर रहे हैं, तो उनका पहले भेज दिया जाता है। मैं साफ शब्दों में तो आपको बता रही हूँ। तो वो जो खर्च होगा वहां आके मुझे करना पड़ेगा? हाँ, आज के डेट में अगर आप करवा देते हो तो मैं 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग भेज देता हूँ। नहीं, जैसे सर वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ आके पैसा देना पड़ेगा कि मतलब कैसे क्या सिस्टम है? नहीं, अकाउंट नंबर दे देंगे, जयंत जी का अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। तो ये जो अकाउंट नंबर रहेगा, किसका अकाउंट नंबर रहेगा? वो आपका मेरा ही रहेगा, पर्सनली मैं अपना खुद का अकाउंट नंबर दूंगा, इसमें कोई आप प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? यूपी से बोल रहा हूँ। तो ज्वाइनिंग तुम्हारी वहाँ चेन्नई में होगी ना? क्या बोले सर? हमारी ज्वाइनिंग तो चेन्नई में होगी ना? हमें तो चेन्नई मिला है ना। चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु, अहमदाबाद, ये तीन चार लोगों का ज्वाइनिंग सभी लोगों का हो रहा है। चेन्नई, तमिलनाडु, आप लोगों का ज्वाइनिंग तो चेन्नई होगी, जो प्रोसेस में है जहाँ पे जाएगी आपको। वही तो जो होगा तो चेन्नई में होगा, तो पैसा यहाँ के देना होगा, वहाँ चेन्नई देना होगा ना? सर सीनियर ऑफिसर डायरेक्ट आपको फोन नहीं कर सकते ना, वहाँ से फोन मुझे आया है, सिर्फ फोन है आपको किया। हाँ डायरेक्ट किलो चेन्नई से आपको थोड़ी फोन आएगा सर। अच्छा, तो वो चेन्नई से आपके यहाँ फोन आया, अगर मतलब हम 15 मतलब 25 हज़ार के आसपास अगर अमाउंट देंगे तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, नहीं तो फिर 8 महीने बाद होगी। जी, 8 महीने बाद ही अच्छे चेंज लूजर लिस्ट आएगा, जिसमें सर हो सकता है उसमें भी पेंडिंग डाल दे। जैसे कि होता क्या है, एक मिनट, होता क्या है, जैसे कि सभी लोगों का से हर लड़कों से सीनियर ऑफिसर का कॉन्टेक्ट होता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लड़कों का लिस्ट हम लोगों को पास आया हुआ है। जैसे कि आप तो देख सकते हो, जो भी है मेरे पास सभी लोगों का है, उनका नंबर तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं नहीं बताऊंगा,
हाँ ठीक है, मतलब हो गई हो तो हो गई, आपके पास लिस्ट तो आती ही होगी। हाँ गीता भी इस बार है, सुना है, तमिलनाडु का भी है, कोलकाता का भी है, अच्छा अहमदाबाद का भी है, ये सारे लिस्ट है। तो अच्छा सभी लोगों का जैसे कांटेक्ट होता है सीनियर ऑफिसर से, तो आप उन लोगों के बीच में बचाव क्या है। हम जैसे 8 महीने पहले भेज देते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो आप समझ सकते हो आपकी जो भी सैलरी कैलकुलेशन 8 से कर लीजिए, हाँ 70 से आपका 25,000 आ रहा है। अच्छा, तो 25 तो, लेकिन तत्काल तो पैसा अभी थोड़ी होगा, अभी तो हम पढ़ने ही वाले स्टूडेंट हैं, फिर थोड़ा तो टाइम लगेगा ही मुझे अरेंज करने में। टाइम जैसे कि आज का ही टाइम हम लोग हर लड़कों से ले रहे हैं, और सर सीईओ आगे का जो प्रोसेस है आप लोगों का डाल दिया जाएगा ना। अगर आप डायरेक्ट मना करोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट 8 महीने होल्ड हो जाएगा, फिर रोका जाएगा, फिर वेरिफिकेशन में डाला जाएगा, इसलिए 20 से 25 हज़ार रुपये आपको खर्च आ रहा है, तो डायरेक्ट अपना काम करवा लीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूँ, जैसे अगर पैसे का रेंज हो जाएगा तो किस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इस चीज के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आज के ही डेट में आपको पे लेवल होगा, अच्छा, आप शाम तक मतलब मुझे बता देना होगा किसी तरह। शाम तक बताना नहीं, जैसे घंटे 2 घंटे में आपको पे कर देना होगा, क्योंकि सारे सीट हम लोगों का आ जाएगा ना, सारे लोग का, हर लड़कों से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। आप तो फिर आप अकाउंट बता नंबर दिए हैं वगैरह किसी तो के, कौन से अकाउंट में भेजना होगा, अगर भेज मतलब पहले जैसे मैं कंफर्म कर लूँ पैसे की, आप तुरंत कैसे दूंगा, तो फिर उस हिसाब से ना तभी तो अरेंज करके फिर भेज दूंगा, कहने क्या मैं मतलब समझा, क्या समझा नहीं मैं आपको, साहब क्या बोले थे। अभी मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ ना, तैयारी करता हूँ, घर बात करूंगा, फिर उस हाँ हिसाब से घर वाले तुरंत मतलब जो अगर अरेंज होगा तो फिर अकाउंट में डालूंगा, अकाउंट नंबर वगैरह दे दीजिएगा आप बात कर लीजिए, फिर हमें आपको कांटेक्ट कीजिए इसी दस से नंबर पे। 15 मिनट के, जी हाँ 10 से 15 मिनट के अंदर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, बाकी आगे के लड़के से मैं बात करती ठीक। हूँ।